हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे सैलेस चैनल वीआईपी सर में। दोस्तों पिछले वीडियो में कोडिंग के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको दो होमवर्क दिए थे, आप सभी का आंसर एकदम सही आया था, ठीक है। हम इस सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे मतलब उसका आंसर आया था। उसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, ताकि आपके इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के मतलब बैंकिंग के रेलवे के, आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था होमवर्क वाला, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 7 था कि 24631 के लिए हमको ग्रेट लिखा था, 5897 के लिए मॉन्क लिखा था। तो बताओ भाई कि 84712 का क्या होगा, ठीक है, ये हमको रिपोर्ट करना था। तो आप लोगों ने इसमें सही पकड़ा था इसको, क्योंकि यहाँ पे 8 था, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 7 है, 7 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है। मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा था वो हमको ऑलरेडी गिवन था। ये हमारा कौन सा टाइप था? गिवन वाला टाइप था। मतलब लेटर्स के लिए डिजिट, डिजिट के लिए लेटर्स दिया रहता है, बस आपको आपको पुट करना होता है। तो 8 के लिए क्या पुट करें? तो 8 क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? O है, ठीक है। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। फिर क्या है? 4, 4 पे क्या है? O, 4 का है R। फिर क्या है? 7, 7 पे क्या है? K। उसके बाद 1, 1 के लिए क्या हो जाएगा? T। और 2 के लिए क्या हो जाएगा? G, ठीक है। तो O R K T G इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को उत्तर एकदम सही आया था। अब लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका सेकंड नंबर होमवर्क था। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है TITAN टाइटन, और इसके लिए हमको कोड दिया हुआ है 48797। और क्या पूछा गया हमसे? वॉच का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो टी का हम लोग नंबर देख लेते हैं, किस में देखिए, हमने गिवन वाला नहीं, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही दिया है टाइटन, और इसी के बारे में पूछना है कि इसी के आधार पर बताओ वॉच का क्या होगा। मतलब रिलेशन वाला क्वेश्चन है कि ये टाइटन और ये 48797 में कोई एक रिलेशन होगा जो हमको पता करना है, उसके बाद उस हिसाब से वॉच का आंसर देना है। तो देखिए टी का हम लिखते हैं अगर, तो 20, आई का 9, फिर टी का 20, ए का 1, एन का 14, ठीक है। और देखिए हमको यहाँ से पहुंचना है 48797 पे, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर हम अपोजिट लिखें तो, अपोजिट लिखें तो टी का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, फिर जी का 7 हो जाएगा, जेड का 26 हो जाएगा, एन का एम यानी कि 13। मतलब सब इसके जो अपोजिट होते हैं, एन का एम, एम को 13 लिखा मैंने, ए का जेड होता है, जेड का 26, टी का जी होता है, जी का 7, आई का आर होता है जो कि 18 होता है, टी का जी होता है जो कि 7 होता है, ठीक है। मैंने उल्टा भी लिख दिया, अब कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? देखिए 3 और 1 कितना होता है? 3 और 1 को जोड़े तो 4, 6 2 को जोड़े तो 8, 7 को 7, 8 1 जो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, और 7 का 7। ये चीज यहाँ पे है क्या? देखिए 4, 8, 7, 9 और 7, मतलब इस वाले का ये, इस वाले का ये, इस वाले का ये, फिर इधर का ये, और इधर, मतलब उल्टा कर दिया है। अगर आप यहाँ पे मिरर लगा दीजिए, ठीक है, तो मतलब जो उल्टा हो जाएगा वही वाला चीज यहाँ पे कर दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या था, बहुत बड़ा है, मतलब ये अच्छे लेवल का सीजेल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसे हार्ड क्वेश्चंस पे आपको देता हूँ, ताकि आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। ये नहीं कि मतलब कुछ दो चार इजी क्वेश्चन को लगा लिया और खुश हो गए, आप अच्छे क्वेश्चंस को भी देखिए, समझिए कि उसमें क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, ताकि आपका दिमाग खुले। तो देखिए इसमें क्या था कि आपको जो वर्ड मतलब लेटर्स गिवन थे उसके अपोजिट नंबर्स को सम करना था, और फिर उसको वहां पे पुट करना था। तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं? अपोजिट लेटर्स लिखते हैं। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी होता है, ए का जेड होता है, टी का जी होता है, सी का एक्स होता है, और एच का क्या होता है? एस होता है। अब इसका वैल्यू लिखिए, तो डी का 4, जेड का 26, जी का 7, एक्स का 24 और एच का 19। अब जोड़ देते हैं इसको, तो 9 1 10, अब 10 क्या हो गया? वो भी एक से ज्यादा हो गया, तो फिर एक और जीरो को जोड़े, एक और जीरो को जोड़ेंगे तो 1, 4 2 6, 7 का 7, 6 2 8 और 4 का 4, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ मिरर लगा देंगे, मतलब इधर वाला पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी क्या आ जाएगा? पहले 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 और फिर 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है? पहले तो सबसे पहले क्या करिए, उसका जो नॉर्मल प्लेस वैल्यू होता है वो लिख लीजिए, फिर उससे मतलब कुछ रिलेशन लगाने का पता करिए, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो हमने देखा कि 20 9 20 मतलब कुछ हो नहीं पा रहा था, तो हमने क्या किया, अगर नॉर्मल नहीं होता तो हम कहाँ जाते हैं? हम अपोजिट पे जाते हैं।
अपोजिट को मैंने लिख दिया, फिर अपोजिट को लिखा तो यहाँ से देखा कि यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, मतलब इतना पता चला कि हाँ अपोजिट वाले से कुछ ना कुछ इसका फंडा होगा। फिर यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या था, नौ था और यहाँ पे चार था, तो मतलब नौ था और यहाँ पे आठ था और चार था, तो मुझे मतलब ये दिख गया कि आठ एक को जोड़ूंगा तो नौ आएगा, छह को जोड़ूंगा तो आठ आएगा और तीन एक को जोड़ूंगा तो चार आएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार मैंने क्या किया, वॉच, वॉच का उल्टा क्या होता है, तो मैंने आपको याद कराया था हाई स्कूल क्लॉक्स जीटी रोड ए टू जेड ड्यूक एंड सबको उल्टा लिख दिया ताकि आपको सहूलियत हो। एस का 19, एक्स का 24, जी का 7, जेड का 26, बी का 4। अब सिंगल डिजिट का तो सिंगल डिजिट ही रह जाएगा, ये भी 4 का 4। अब 26 में क्या है, दो 6 को जोड़िए तो 8, 7 का 7 और 24 में क्या, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। फिर 19 में 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 नहीं लिखना, हमको सिंगल डिजिट लिखना है, तो फिर से 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। अब इसको पलटा के लिख दीजिए, यानी कि पहले 1 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 4, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है जून बराबर 55-31 तो जुलाई क्या होगा, ठीक है, मतलब पिछला क्वेश्चन जो हमारा था जिस टाइप का, मतलब उसी टाइप का, यानी कि एक हमको स्टेटमेंट गिवन है और उससे हमको दूसरा चीज पूछ लिया, और स्टेटमेंट एकदम छोटा सा है, चार लेटर्स का जून, ठीक है, जे यू एन ई, और उसका दे दिया है 55-31, क्या दे दिया 55-31, और पूछा है जुलाई का क्या होगा, जुलाई का क्या होगा, ठीक है, और इसके लिए हमको ऑप्शंस क्या क्या दे दिए हैं, तो ऑप्शन ए में 7613, 7321, 7331, 1335, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे जे है, तो जे का कितना होता है 10, यू का 21, एन का 14, ई का 5, ठीक है, ये देखिए 5 तो ये यहाँ पे है, 19 नहीं 14 है, तो ये 4 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा, 2 और 1 को जोड़े तो 3 और 1 0 को जोड़े तो 1, ठीक है, यानी कि अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो 5 5 3 1 आएगा। अब फिर क्या करते हैं यहाँ पे उल्टा कर दिया, मतलब मिरर लगा दिया यहाँ पे, यानी कि पहले 5 फिर 5 फिर 3 और फिर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार हम ये जुलाई को सॉल्व करते हैं, जुलाई कितना आ जाता है, जे का 10, यू का 21, एल का 12, वाई का 25, जोड़ते हैं इसको 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 2 1 3 2 1 3 5 2 7, ठीक है। अब इसको फिर उल्टा करके लिख देते हैं तो 7 3 3 1, ठीक है, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर 7331। तो ऑप्शंस में है क्या 7331, हां देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चक दे इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे, ROAD रोड, रोड को क्या लिखा गया 34, तो स्टार्स का पूछा है क्या होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो चार लेटर्स हैं लेकिन उसके बदले में क्या है बहुत ही छोटा सा डिजिट दिया गया है ROAD रोड, और इसके बदले में क्या दिया है 34, ठीक है, आपसे क्या पूछा है स्टार्स का क्या होगा, STARS स्टार्स इसका क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं, आर को 18, ओ को 15, ए को 1 और डी का 4, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कितना है, मतलब 4 लेटर्स है और यहाँ पे कितना है 34, मतलब कम है, तो हम क्या करते हैं इसको जोड़ के देखते हैं, तो 18 15 33 1 34 और 4 38, जोड़ने में कितना आ रहा है 38, ठीक है, यहाँ पे है कितना 34, यहाँ देखिए कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4, 4 लेटर्स है ना, तो 38 में से 4 को माइनस कर देते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ये 34 से वो हमारा आ जाएगा। अब इसी प्रकार से स्टार्स को सॉल्व करते हैं, एस का 19, टी का 20, ए का 1, आर का 18, एस का 19, जोड़िए इसको तो 18 19 37, 1 38, 20 58 और 19, तो 58 और 20 78, यानी कि 177, 77 हो गया। अब इसमें से 5 माइनस करते हैं क्योंकि 5 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5, तो
पांच माइनस कर दीजिए 77 में से 5 जाएगा तो 72, और 72 हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 72 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 72, ऑप्शन नंबर बी में है 72 और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है चाइना और उसके लिए दे दिया है 38951 और फिर हांगकांग का पूछा, मतलब वही एक ही स्टेटमेंट दे दिया है और फिर उसका आंसर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है चाइना, ठीक है, चमगादड़ चाइना, और फिर इसके लिए क्या दिया गया है, इस चमगादड़ के लिए दिया गया है 38951, इसके लिए कोड दिया गया है और फिर पूछा है कि बताओ हांगकांग, ठीक है, हम लोग घूम रहे हैं कहाँ, हांगकांग, हांगकांग का बताना है आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 5 लेटर्स हैं, यहाँ पे 5 से ज्यादा है, 3, 3, 6, 8 लेटर्स हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन बन रहा होगा, तो हम वही अपना काम करते हैं, सी का 3, एच का 8, आई का 9, एन का 14, ए का 1, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 389 एक भी दे दिया, 1 और 14 को 5 लाते हैं, 14 को 5 कैसे लाएंगे, 4 और 1 को जोड़ देंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब हमारा क्या ऐसा फंडा लगेगा कि जितने भी लेटर थे लेटर्स को उनका सम करिए, सिंगल डिजिट का कौन सी और कर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो एच का कितना होता है 8, ओ का 15, एन का 14, जी का 7, के 11, ओ 15, एन 14, जी 7, अब इसको जोड़ते हैं, मतलब सिंगल डिजिट में लाते हैं, तो 8 का तो 8 बिल्कुल ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, 15 में 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 14 में 4 1 को जोड़ेंगे तो 5, 7 का 7, 112, 156, 145 और 7 का 7, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 865-7-2-6-5-7, ऑप्शन में क्या है 865 में क्या 865-7-2-6-5-7, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी से देव से ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, धमाल इज द राइट आंसर, आप लोगों ने भी धमाल कर दिया होगा क्वेश्चन को देखते। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर में क्या है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में POND पॉन्ड और इसके लिए दिया गया 18192012 और स्टार्स के लिए हमको पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है पॉन्ड POND इसके लिए पूछा दिया गया है 18192012, ठीक है, ये गिवन है और फिर हमको बताना है स्टार्स का क्या होगा, स्टार्स का क्या होगा। चलिए अब हम आपको बेस वैल्यू याद हो रही होंगे, तो पी का कितना होता है 16, ओ का कितना 15, एन का 14, डी का 4, अब यहाँ पे कितने हैं, अब यहाँ पे हमको 16 से 18 पे जाना है, 15 से 19 पे जाना है, अगर मैं 16 में 2 जोड़ दूँ, 16 में 2 जोड़ दूँ तो 18, 15 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो 19, 14 में मैं 6 ऐड करूँ तो 20 और 4 में मैं 8 ऐड करूँ तो 12, कहने का मतलब क्या कि मैंने क्या किया, पहले लेटर में 2 जोड़ा, फिर दूसरे लेटर में मैंने क्या किया 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, मतलब 2-2 बढ़ते जा रहे हैं, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे आपको बढ़ते जाना है, फिर आपको आंसर यहाँ पे दिखेगा। सेम यही काम करेंगे हम इसमें स्टार्स में, यानी एस का कितना होता है 19, पी का होता है 20, ए का 1, आर का 18 और एस का 19, देखिए आपको भी प्लेस वैल्यू ऐसे याद हो जाएंगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। अब 19 में क्या करेंगे, पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29, ठीक है, 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29, लेकिन बताइए कि अल्फाबेट में 29 होता है नहीं होता, 26 तक ही होता है, यानी कि 26 में आगे 3 बढ़ जाएंगे, 27, 28, 29, तो यहाँ पे हम 29 ना लिखे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में तो 26 लेटर्स ही होते हैं ना, यानी कि 2.24723 इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 13-14 मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। एक नए टाइप का क्वेश्चन है 13-14, आप मतलब सॉल्व करिएगा, उसको कोशिश करिएगा, फिर कमेंट में उसका आंसर करिएगा। एक और पार्ट आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, थर्ड पार्ट, इसका मैं जितने भी बचे हुए इसके टाइप्स हैं वो आपको मैं कवर करा दूंगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग के आपके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों में शेयर करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम लोगों को भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है। और लास्ट में वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।